इसी अप्रैल मेरे फादर और मेरी मदर दोनों की डेथ कोविड की वजह से हो गई है। बहुत दिक्कतें आई हैं मुझे इस रेस्टोरेंट को दोबारा से संभालने में, क्योंकि दोनों का एक साथ जाना मेरे लिए पहाड़ टूटने से भी बड़ा दुख था, और ऊपर से दोनों के डेथ सर्टिफिकेट मिलना वो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो गया। और 3 महीने को होने के बाद और अभी तक मेरी मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं एम न्यूज। दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली में आपने स्वाद और जायके के खजाने कई देखे हैं, और कई स्वाद की दुकानों पर आप गए जहां पर आपने कई पकवानों को चखा। लेकिन दिल्ली के नागलोई में निहाल विहार में एक ऐसी दुकान है जहाँ पर आपको सुनकर ही जीभ पर पानी आ जाएगा। नाम है चटोरी जुबान, और यही आपकी जुबान पर आज एक नया जायका लाने वाली है। आज हम पहुंचे हैं चटोरी जुबान पर और देखेंगे यहाँ पर आखिर खास क्या कुछ है, और आखिर इस दुकान के पीछे की कहानी क्या है। जब भी कोई स्टार्टअप होता है, कोई दुकान होती है, उसके पीछे की कहानी होती है, लेकिन यहाँ आपको स्वाद के साथ साथ जायके के साथ साथ एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो आपको इंस्पायर करेगी, और यहाँ पर स्वाद के साथ साथ कितना जज्बा पकवानों में भरा हुआ है ये भी आज आपको देखने को मिलेगा। तमाम जो आइटम्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, और आखिर कैसे चल रहा है, कौन ये चटोरी जुबान चला रहा है, और आखिर कब ये शुरू हुआ, ये तमाम चीज़ें आज आपको हम बताने वाले हैं। दिल्ली के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आपने पकवानों का जायका जरूर चखा होगा, लेकिन आज आपको हम लेकर आए हैं निहाल विहार की चटोरी गलियों में एक ऐसी दुकान जिसका नाम है चटोरी जुबान। लेकिन इस दुकान के पीछे आखिर कहानी क्या है, इस दुकान के जायके के पीछे आखिर उस कहानी में कितना जज्बा है, ये आज आपको हम बताने वाले हैं, और उसके साथ कितना संघर्ष है ये बताने वाले हैं। हमारे साथ फिलहाल इस दुकान की अब ओनर बन चुकी हिमांशी मौजूद है। हिमांशी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एम न्यूज पर। थैंक यू हिमांशी। आपके जो शॉप है चटोरी जुबान, यहाँ पर कैसे ये सब कुछ आपने शुरू किया, कितने आइटम्स मिलते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, आज हमारे दर्शकों को आपको बताइए। पहली बात, मैंने ये रेस्टोरेंट शुरू नहीं करा, ये रेस्टोरेंट मेरे फादर का है। उनकी डेथ के बाद हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया, क्योंकि उनका कहना था कि कुछ भी है खिलाना तो ज़रूर है। और बाकी हमारी इस रेस्टोरेंट में 148 आइटम्स मिलते हैं। आपको तंदूर मिलेगा, चाइनीज़ मिलेगा, कलकत्ता काठी रोल जो बहुत रेयर जगह पे मिलता है यहाँ वहाँ, ये यहाँ पे मिलता है। और बाकी देखते हैं आपको। हिमांशी, देखिए आपने बताया कि आपके फादर ने ये रेस्टोरेंट शुरू किया था, यानी कि अब आपके फादर कहाँ हैं, क्या है इस सब के पीछे, क्या कहानी है कि अब आप इसकी ओनर बन गई हैं, क्या संघर्ष आपका रहा, वो भी हम सुनना चाहते हैं। इसी अप्रैल मेरे फादर और मेरी मदर दोनों की डेथ कोविड की वजह से हो गई है। बहुत दिक्कतें आई हैं मुझे इस रेस्टोरेंट को दोबारा से संभालने में, क्योंकि दोनों का एक साथ जाना मेरे लिए पहाड़ टूटने से भी बड़ा दुख था, और ऊपर से दोनों के डेथ सर्टिफिकेट मिलना वो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो गया। और 3 महीने को होने के बाद और अभी तक मेरी मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला। मैं MCD के चक्कर लगा चुकी हूँ, मैं MLO के चक्कर लगा चुकी हूँ, पुलिस स्टेशन, DM ऑफिस, जहाँ उन लोगों ने बोला, सरकारी दफ्तर, हॉस्पिटल्स, चाहे कहीं पे भी देख लें, मैं सब जगह से मैं हार गई हूँ। अब मेरे पास नहीं है कोई ऑप्शन, क्योंकि वो कहते हैं मेरी मम्मी का कोविड प्रूफ करो। मैं कहाँ से कोविड प्रूफ करूँ, मैं कोई तो डॉक्टर हूँ नहीं, मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी मम्मी की डेथ कोविड की वजह से हुई है। अब बस मेरी गलती इतनी है ना, या मेरी मम्मी की, कि उनकी घर पे ही डेथ हो गई, उनके हॉस्पिटल में नहीं हुई। तो अब वो कह रहे हैं कि उनका कोविड प्रूफ करो, और हॉस्पिटल जाती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जो भी डाटा था वो क्लैश हो गया, मेरे पास इसका प्रूफ भी है, ये मैं निकलवा के लेकर आई हूँ उस दिन। इसने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सरे मुझे चाहिए, तो कहते हैं कि नहीं, हमारा डाटा सारा क्रैश हो चुका है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी का RT-PCR नेगेटिव है,
इस वजह से उन एमसीडी वालों ने 3 बार मेरी मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया, जबकि इस हॉस्पिटल में लिखा हुआ है साफ तौर पे कि मेरी मम्मी की डेथ कोविड निमोनिया की वजह से हुई है, फिर भी एमसीडी वाले ऐसे करते हैं। हिमांशी, तमाम दुश्वारियां आपके सामने आई हैं, एक ही दिन में अपने माता पिता दोनों को आपने खो दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण आप में अब भी नजर आती है। आपने इस रेस्टोरेंट को संभाला है, इसे दोबारा से शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक पहले द्वारका मोड़ के पास ये रेस्टोरेंट था, तो उसके बाद यहाँ कैसे शिफ्ट किया, कितनी परेशानियाँ आई, क्या सफर रहा? आप सब जानते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़े बहुत लोन लेने पड़ते हैं, और हमने भी यही करा था, मेरे फादर और मैंने मिलकर जो हमारी सेविंग्स थी हमने इसमें लगा दी, लेकिन द्वारका मोड़ पे कुछ दिक्कतों की वजह से वहाँ नहीं चली, तो हम यहाँ पर आए। मेरे फादर का लोन तो अभी तक है ही, करीब 5 लाख का लोन अभी, अब वो मेरे फादर का जो था वो मेरे ऊपर आ गया है, और अब यहाँ पे रेस्टोरेंट चलने ही लगा था कि मेरे फादर मदर की डेथ हो गई। अब लोगों को ये लगता है कि वो अगर इस रेस्टोरेंट में खाएंगे तो उन्हें भी कोविड हो जाएगा, इस वजह से हमारा रेस्टोरेंट डे टू डे जो अप जा रहा था वो डाउन होता जा रहा है। तो मेरी आप ही लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को समझाओ कि अब 3 मंथ होने को आ गए, कोविड नहीं फैलता, और जो मेरे मदर फादर को कोविड था वो एट द एंड हमें पता लगा था, वो कोई फैलने वाला कोविड नहीं था, वो उनके खुद के ही लंग्स खराब हुए थे, और कैसे हुआ मुझे ये नहीं पता। हिमांशी, ये अपील आपकी ज़रूर हम पहुंचाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स चलाई हैं, बार बार ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कि आम जनता की मदद के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, कोरोना काल के दौरान जो परेशानियां आ रही हैं उनको सुलझाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, और ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा मदद उनके अधिकारियों के द्वारा आपकी की जाएगी, घर पर आएंगे, डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे। क्या आपको ऐसी कोई मदद मिली या आप वहाँ पर गए, ऐसी कोई हेल्प आपको मिल पाई? मदद की बात तो दूर, लोगों ने फ़ोन करके नहीं पूछा मुझसे, अगर मैं जाती तो वो कहते कि सिर्फ आपके मम्मी पापा मरे हैं, क्या आप ही अनाथ हुए हो, इतनी बुरी तरीके से वो बिहेव करते हैं। मेरे घर में अब मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई और मेरी दादी, सिर्फ हम 3 लोग रहते हैं, लेकिन उन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि हाँ एक बच्चा परेशान होकर आ रहा है तो उसकी हेल्प कर दें, वो सीधा भगा देते हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट का मेरे पास ना कोई फ़ोन आया, बस एक ये केंद्र सरकार का 4 लाख वाला था जो मैंने भरा, लेकिन मैंने इस DM ऑफिस में जाके पूछा कि कब तक आएगा, मैंने इसे 7 जून को भरा था, लेकिन अभी तक ना कोई मैसेज आया, ना कॉल आया, ना एक्सेप्ट होने का कुछ भी नहीं आया, वो कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन और लोगों के आ रहे हैं। हिमांशी, अब तक आप कितने अधिकारियों के पास जा चुकी हैं, क्या क्या जवाब आपको मिले हैं? बहुत सारे लोगों के पास चली गई, मैं आसपास के MLO के पास भी गई हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक आपका MLA नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पे आम आदमी की सरकार है, काम वो करवाती है, लेकिन आप मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन उसने कोविड में कुछ नहीं करा, मुझे मजबूरन किसी BJP नेता के पास अब जाना पड़ेगा ताकि वो मेरी हेल्प करें। और बाकी मैं कितने सारे MCD ऑफिस में चली गई, नजफगढ़, हमारे रजौरी गार्डन वाले, DM ऑफिस रजौरी गार्डन, MCD जो हमारे SDM ऑफिस है हमारे नागली में, वहाँ SDM ऑफिस नजफगढ़ में है एक ककड़ोला, वहाँ के सब गेट वालों ने मुझे कहा कि यहाँ काम नहीं होता, अब जाओ। बाकी हमारा MCD जो पड़ता है वो रजौरी गार्डन का पड़ता है, जो राजा गार्डन में, वो वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पे भी बोला कि नहीं नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जाओ पहले कोविड प्रूफ करके लेकर आओ, तभी आपकी मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, ये कोई तुक नहीं बनता। हिमांशी, आपने बताया कि बहुत परेशानियाँ आपने झेली, सबके पास गए लेकिन जवाब अलग अलग मिले, मदद कहीं से नहीं मिली। फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार के लिए आपका क्या संदेश है, क्या अपील है? मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे सिर्फ मेरी मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ताकि हम दोनों अपने आगे की पढ़ाई, आप तो हेल्प करेंगे नहीं, जो हम लोग जो मेरी मम्मी के जेवर फंसे हुए हैं वो कम से कम मैं उसे निकलवा के कहीं ना कहीं से कुछ करके दे तो सकूं, क्योंकि वो मेरी मम्मी की आखिरी निशानियां हैं। मुझे सर्वाइवल सर्टिफिकेट बनवाना है, जिसके लिए मेरी मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप इस छोटी सी दुकान में अगर आते हैं और यहाँ का खाना खाते हैं, यहाँ का जायका चक्कर जाते हैं, तो आप ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कहानी है, दुख है, जज्बा है, हिम्मत है, उम्मीद है, सब कुछ है, लेकिन मदद नहीं मिल पा रही है किसी से हिमांशी को। और चटोरी जुबान नाम का ये रेस्टोरेंट जब चलने ही लगा था तब कोविड के डर से लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया। तो सबसे पहले तो MNews आपसे ये अपील भी करना चाहेगा कि आप बढ़ चढ़कर यहाँ पर आइए, जो हिमांशी का रेस्टोरेंट है वहाँ पर तमाम तरह के आइटम्स आपको मिलेंगे, पकवान आपको मिलेंगे, आप उनका जायका, उनका स्वाद जरूर लीजिए, आपको यहाँ आकर देखना चाहिए किस तरह से हिमांशी किस जज्बे के साथ काम कर रही हैं, अपने भाई अपने घर को चला रही हैं। और दूसरी बात, सरकारें आती जाती रहती हैं, तमाम तरह की बीमारियाँ, उसके बाद एक बड़ी महामारी आई है, और
बड़े बड़े दावे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए किए जाते हैं, लेकिन आखिर हिमांशी जैसे कितने ही लोग होंगे जिन्होंने अपनों को इस कोरोना काल के दौरान खो दिया और वो अपना गुजारा करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार आखिर इनकी मदद कब करेगी, ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। एम न्यूज की तरफ से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, बड़ा सवाल मैं खड़ा करना चाहूंगी कि आखिर दिल्ली सरकार हिमांशी की मदद के लिए कब पहुंचेगी। तो चटोरी जुबान को चलाने के लिए हिमांशी और उनका भाई जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे में उन पर पहाड़ जो टूट पड़ा है मुश्किलों का, उसके हिसाब से उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, उससे निकलने के लिए उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। लगातार वो सरकार से सवाल भी कर रही हैं, दफ्तरों में घूम भी रही हैं, अधिकारियों के पास जा भी रही हैं, लेकिन शायद अब तक किसी ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन एम न्यूज़ की इस रिपोर्ट के बाद सरकार से हमारी अपील है कि हिमांशी और हिमांशी से जितने भी लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को खो दिया और अपना गुजारा करने के लिए वो तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, सरकार उनकी सुने। और चटोरी जुबान का जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर आइए और स्वाद का जायका जरूर आप भी लीजिए। कैमरा पर्सन मान के साथ मेघना सचदेवा, एम न्यूज़।